आज का विषय थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर ये बातें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको हर चीज बाहर से मिल सकती है, पर मन की शांति वो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी। लोग बाहर से तो खुश दिखते हैं, पर हर इंसान अपने भीतर दुखों से घिरा रहता है। इसका एक ही कारण है, जो भी आपको जिंदगी में दर्द मिले आप उन्हें भूल नहीं पाते। जिसने भी आपके साथ गलत किया आप उसे माफ नहीं करते। आप परिस्थितियों को माफ नहीं करते कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप लोगों को माफ नहीं करते कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका। जब तक आपके मन में ये भावनाएं रहेंगी आपको मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो आपको लोगों को माफ करना ही होगा। यदि आप अपने मन की शांति पाना चाहते हो तो आपको लोगों को माफ करना ही होगा। हाँ, लोगों से गलतियां होती हैं। हाँ, ये सच है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। पर हमें हक नहीं कि हम उनसे नफरत करें, क्योंकि कई बार लोगों से अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। कई बार वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते, पर फिर भी आप हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं। जैसे ही आप लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं आप खुद को बंधन में बांध लेते हैं, आप गुलाम हो जाते हैं। आपकी खुशी पे, आपके दुख पे दूसरों का कंट्रोल हो जाता है। वास्तव में वो लोग तो खुद ही भटके हुए हैं, वो खुद नहीं जानते उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। लोगों में इतनी समझ नहीं है कि रिश्ते कैसे निभाने हैं। यहाँ सब लोग सीख रहे हैं। अगर लोगों को सब कुछ पता होता तो आज पूरी दुनिया खुशी, प्रेम और आनंद से भरी होती। हाँ, होती हैं लोगों से गलतियां, भूल करते हैं लोग, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि जिंदगी में लोगों के साथ चलना कैसे है, कि उनकी किस हरकत का लोगों पे क्या असर पड़ेगा। और गलतियां तो आपसे भी होती हैं। गलती सबसे होती है, पर जो माफ करना जानता है वही महान इंसान कहलाता है। कई बार आपसे भी लोग कहते हैं कि उसने जो किया वो किया, पर आप तो समझदार हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ही माफ कर दो। लोग आपके साथ क्या करते हैं या क्या करेंगे उस पे आपका कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे कभी, पर आप लोगों के साथ क्या करते हैं उस पे आपका पूरा कंट्रोल है। आप खुद के साथ क्या करते हैं उस पे भी आपका पूरा कंट्रोल है। डोंट ब्लेम पीपल फॉर डिसअपॉइंटिंग यू, ब्लेम योरसेल्फ फ्रॉम एक्सपेक्टिंग टू मच फॉर देम। लोगों को दोष मत दो कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। आप खुद को दोष दो कि आपने उनसे कितनी ज्यादा उम्मीदें लगा ली। आप लोगों को दोष देना छोड़ें, क्योंकि गलती आपकी भी है कि आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं, जिसका कई बार तो उन्हें पता भी नहीं होता और आपका बेवजह दिल टूट जाता है। इस बात को आप समझ लो कि लोगों को समझ नहीं है रिश्ते निभाने की, रिश्ते चलाने की, रिश्ते संभालने की। प्रेम निभाना कोई आसान बात नहीं होती। प्रेम तो समर्पण का नाम है, प्रेम तो त्याग का नाम है, प्रेम तो करुणा का नाम है। प्रेम का तो मतलब ही होता है क्षमा। यदि आप लोगों को माफ नहीं कर पाते तो याद रखना कि आपने भी उनसे कभी प्रेम किया ही नहीं था। प्रेम में बहुत ताकत होती है। प्रेम हर गलती को, हर भूल को माफ कर देता है। यदि आपने किसी से सच्चा प्रेम किया तो आप उसे माफ कर दें, क्योंकि जो हृदय सच्चा प्रेम करने की ताकत रखता है वही हृदय किसी को माफ कर सकता है। और यदि आप उस इंसान को माफ नहीं करते तो आपने कभी उस इंसान से सच्चा प्रेम किया ही नहीं। प्रेम करने के लिए हृदय विशाल होना चाहिए, और जब आप ये बातें समझ जाएंगे तो आप कभी हर्ट नहीं होंगे। डोंट ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स बाय सीकिंग रिवेंज ऑन पीपल दैट रॉन्ग्ड यू। लेट इट गो एंड ट्रस्ट गॉड। लोगों से बदला लेने की मत सोचो, माफ कर दो सबको।
वास्तविकता में तो आप स्वयं आनंद रूप हैं, पर जब आप लोगों को माफ नहीं करते तो आपके मन में अशांति घर कर लेती है। किसी पे गुस्सा दिखाने के लिए या किसी से झगड़ने के लिए या किसी से नफरत करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। असली ताकत की जरूरत पड़ती है किसी को माफ करने में। हम आज आपसे अपनी ही बात शेयर करते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या लोग वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, तो हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू, माफ कर दो। क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या फर्ज हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कई बार उनका। और सच कहूं तो हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि जो लोग भी भावनात्मक रूप से तकलीफ में हैं, जीवन की आशा छोड़ चुके हैं, जो दर्द में जी रहे हैं, जो पीड़ा में हैं, जो रोते रहते हैं, कैसे भी करके अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से उनकी मदद कर सकें, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। अगर हमारी बातों से किसी एक इंसान के दिल में भी खुशी आती है, किसी एक इंसान का भी गम दूर होता है, कोई एक इंसान भी हंस पाता है, तो हमारी ये वाणी की सेवा सफल है। तो जब आप लोगों को माफ करते हो तो आप खुद की ही नहीं पूरे विश्व की मदद कर सकते हैं। पर जब आप खुद ही अंदर किसी से खफा होते हैं तो आप कोई महान कार्य जीवन में कर ही नहीं सकते। क्षमा परमात्मा का ही एक नाम है। आप एक बार दिल से लोगों को माफ कर दो, आज दिल से माफ कर दो सबको। विश्वास करना, आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिल का सारा बोझ ही उतर गया। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेवजह दुखी हो रहा था, कि मैं बेवजह परेशान हो रहा था। खुद को बहुत शांत और खुश महसूस करोगे आप। क्षमा भी दो तरह की होती है, एक आउटर फॉरगिवनेस, एक इनर फॉरगिवनेस। आउटर फॉरगिवनेस में आप बाहर से तो लोगों को माफ कर देते हो पर भीतर ही भीतर उससे खफा रहते हो। पर जब आप दिल से किसी को माफ करते हैं तो आपके जीवन में खुशी और आनंद के झरने बहने लगते हैं। खुशी और आनंद का झरना तो आपके भीतर पहले से ही बह रहा है, पर लोगों के प्रति और जिंदगी के प्रति नाराजगी और घृणा का भाव उस झरने को बहने से रोक देता है। सफरिंग इज नॉट होल्डिंग यू, यू आर होल्डिंग सफरिंग। दुखों ने आपको नहीं पकड़ा है, आप दुखों को पकड़ के बैठे हैं। दर्द ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने दर्द को पकड़ लिया है। इसे थोड़ा गहराई से समझना, आपको ये सारी बातें सच लगेंगी। तो कोई और आपके दुख का कारण नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं खुद को दुखी और सुखी करने के लिए। इसलिए जब आप लोगों को क्षमा करते हैं तो आपको भी माफी मिल जाती है, आपका हृदय भी शांत हो जाता है। क्षमा तो ईश्वर की शक्ति है। और आप लोगों को माफ ना करके बेवजह उनके साथ अपना कार्मिक लिंक जोड़ देते हैं और खुद को दुखी सुखी करते रहते हैं। तो किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो आप कहो, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू फॉर माई ओन पीस ऑफ माइंड, आई फॉरगिव यू फॉर माई इनर बैलेंस, आई फॉरगिव यू बिकॉज आई एम अ पावरफुल सोल, आई फॉरगिव यू बिकॉज दिस इज ओनली वॉट आई कैन डू, आई फॉरगिव यू बिकॉज वेन आई फॉरगिव यू आई गॉट माई ओन फॉरगिवनेस, आई फॉरगिव यू बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद गॉड, आई फॉरगिव यू बिकॉज आई एम एन डिवाइन सोल। आप सबको माफ करें और पूरे विश्व के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि सारे विश्व में सबके जीवन में प्रेम, आनंद और प्रसन्नता रहे, हर इंसान दुनिया में खुश रहे। आप सबको ब्लेस करो। जब आप किसी को ब्लेस करते हो तो ईश्वर आपको ब्लेस करते हैं। जब आप किसी को माफ करते हो तो ईश्वर आपको माफ करते हैं। जो इंसान क्षमा करने की ताकत रखता है, उससे महान और शक्तिशाली इंसान दुनिया में और कोई भी नहीं। क्षमा जाके मन बसे तिस हरि अंतर नाहे, कहे टेऊं सुर नर सभी दर्शन चाहतता है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि जो माफ करना जानता है, देवता भी ऐसे इंसान का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वो परमात्मा का ही रूप बन जाता है। क्रोध त्याग क्षमा धरे सो है पूजन योग, कहे टेऊं तिह दरसते मिट जावत सब रोग।
जो इंसान क्षमा करना जानता है वो पूजने योग्य बन जाता है। सिर्फ उसके दर्शन करने मात्र से मन शांत हो जाता है। और ये बात आप याद कर लो, लोगों से गलतियां होती हैं, जाने में अनजाने में आपसे भी तो होती हैं। जैसे आप खुद की गलतियों के लिए खुद को माफ कर देते हैं, वैसे ही आप लोगों की गलतियों के लिए उन्हें माफ करना सीखो। और क्या आप उनके जैसे हैं, या आप एक पवित्र आत्मा हैं, या आप एक परमात्मा का अंश हैं? आपका दुख कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। आपकी उम्मीदें, आपका लोगों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, यही सब आपको रुलाता है। बट रिमेंबर, यू आर पावरफुल सोल, यू आर वन विद गॉड। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और वही ईश्वर हर प्राणी में है। हालांकि लोग उसे जानते नहीं है, पर प्रत्येक प्राणी के भीतर ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए हर एक इंसान क्षमा का अधिकारी है। और एक बात, हमारी बातों का अन्यथा अर्थ ना लें। कई लोग पूछते हैं कि क्या फिर जिस इंसान ने हत्या की उसे भी माफ कर दे, क्या जिस इंसान ने किसी का रेप किया उसे भी क्षमा कर दे? नहीं, ये सब आतिताई लोग हैं, ये लोग दंड के अधिकारी हैं। पवित्र ग्रंथों में उनके लिए सिर्फ मृत्यु दंड बताया गया। उनको कारावास में भी मत डालो, उनको सीधा मृत्यु दो, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हमारी बातें न्यायिक या राजनीतिक मुद्दों से नहीं जुड़ी, हमारी बातें आपकी डेली लाइफ से जुड़ी है, जहां आप रोज छोटी छोटी बातों में हर्ट होते रहते हैं। और जो इंसान लोगों को माफ नहीं करता, वो धीरे धीरे वायलेंट होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, हिंसक होने लग जाता है। इससे सृष्टि में और हिंसा बढ़ती है। और जब आप लोगों को क्षमा करते हैं तो विश्व में प्रेम और शांति की ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि आप उसी परमात्मा की एक ज्योति हैं। जब आप शरीर भाव में जीते हैं तब आप लोगों से अटैच हो जाते हैं, आप लोगों से उम्मीद करने लग जाते हैं, और जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपका दिल टूटने लगता है। लेकिन जब आप आत्मिक भाव में जीते हैं तो लोगों के प्रति आपके मन में करुणा आ जाती है, आप सबको क्षमा कर देते हैं। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर लोग चढ़ा रहे थे तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप सोचो कितनी करुणा थी उनके हृदय में, अपनी हत्या करने वाले के लिए भी क्षमा का भाव। तभी तो आज सारी दुनिया उन्हें ईश्वर मानती है। एक संत नदी के किनारे बैठे थे, उन्होंने देखा कि नदी के अंदर एक बिच्छू डूब रहा था, तो उन्होंने उस बिच्छू को बचाने के लिए उसको नदी से बाहर निकालने की कोशिश की। और जैसे ही उन्होंने बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की तो उस बिच्छू ने उस महात्मा को एक डंक मारा। जैसे ही बिच्छू ने डंक मारा तो महात्मा के हाथ से वो बिच्छू छूट के फिर नदी में गिरने लगा। महात्मा ने फिर उसे निकालने की कोशिश की, बिच्छू ने फिर उन्हें डंक मारा। दो तीन बार जब बिच्छू ने ऐसा किया तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था, तो उसने महात्मा से पूछा कि हे महात्मा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस दुष्ट बिच्छू को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये आपको बार बार डंक मार रहा है? तो उस महात्मा ने कहा कि ये मूक प्राणी, इसका जीवन संकट में है, ये मरने वाला है, पर फिर भी ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, ये डंक मारना नहीं छोड़ना। मैं तो एक साधु हूं, मैं तो एक महात्मा हूं, और मेरा स्वभाव है सब पे दया करना, सब पे करुणा करना, मैं कैसे अपने स्वभाव को छोड़ दूं? तो लोग क्या करते हैं उनकी वो जाने, आप क्या करते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपके मन में शांति, आनंद और प्रसन्नता बनी रहे, तो कभी भी किसी के लिए अपने मन में रोष मत रखना, कभी भी किसी के लिए अपने मन में नाराजगी मत रखना। सबको माफ कर दो, किसी ने चाहे कुछ भी किया हो, आप बोलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। ईश्वर आपको खुश रखे।